हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। टुडे आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द डोंट ज्वाइन हेक्साबेयर। 2023 के कैंडिडेट हैं जो कि बीएड कर रहे हैं, और क्या हुआ है, हेक्साबेयर ने 2024 के फ्रेशर की हायरिंग स्टार्ट कर दी है। लास्ट 10 डेज़ पहले मैंने देखा था कि एक हायरिंग स्टार्ट की थी, तो क्वेश्चन एंड क्वेरी पूरे आंसर इसमें देने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, IMS रोल 1 ईयर कम्प्लीटेड बट नो ज्वाइनिंग इन दिस मंथ, यू विल गेट ज्वाइनिंग आई होप आई मीन। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हेक्साबेयर के जो वेट कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है ऑन बोर्डिंग का, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना ही कोई न्यू ज्वाइनिंग डेट आई हुई है। जो कि PZ के ट्रेनिंग के कैंडिडेट थे 2024 में अप्रैल में सिलेक्टेड हुए थे, पर डिडंट गेट एनी अपडेट फ्रॉम द कंपनी। आई गॉट सिलेक्टेड, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, सभी सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे दिमाग में चल रहे हैं। पर उन्होंने क्या किया कि अभी रिसेंटली में एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकाली, तो देखा जाए कि सिलेक्टेड हुए थे 2024 में फेब में, इन द लास्ट लीडरशिप टॉक सीरीज दे सेड दे विल बी स्टार्ट ऑन बोर्डिंग फ्रॉम द जुलाई एंड अगस्त। IMS रोल 2023 बैच का भी वेरो आई गॉट सिलेक्टेड PZ इन अप्रैल एंड डिडंट गेट एनी अपडेट फ्रॉम द कंपनी। तो पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिली थी इसमें कि हाँ, कि इतने सारे कैंडिडेट हैं वेट कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने अभी रिसेंटली में एक फ्रेशर की हायरिंग निकाली थी गाइज, आप लोगों ने 10 दिन पहले देखा होगा। तो उन्होंने IMS रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकाली थी 2024 कैंडिडेट उनको, जबकि ये देखना चाहिए कि हमने 2023 के और जो कि PZ के ट्रेनिंग के कैंडिडेट थे उनके जुलाई से अगस्त बोल रहे थे, तो उनको कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। पर उन्होंने फ्रेशर की हायरिंग निकाल दी, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 लाख पर एनम का पैकेज है उसका। गाइज पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मुंबई पुणे चेन्नई लोकेशन होने वाली थी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ थी, और जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई भी किया था ये फ्रेशर वाले जितने भी 2024 के कैंडिडेट। पर आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइस, अगर आप लोगों के पास में कोई भी मेल आया हो तो मेरे टेलीग्राम में चैनल पे जाके आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की कंफर्मेशन दे दूंगा कि ये ऑफिशियली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था, उनका 60% क्राइटेरिया था, 10th 12th ग्रेजुएशन, नो एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए थी, टाइम रजिस्टर पासिंग ईयर 2024 पास आउट रोल ट्रेनी, लोकेशन कॉलेज की ये चेन्नई मुंबई पुणे वालों नोएडा और ओनली फॉर द तमिलनाडु, ठीक है, और ओनली फॉर द तमिलनाडु, महाराष्ट्र क्वालिफिकेशन थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन स्किल्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होना चाहिए, IT CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ है, ग्रेजुएट में आप लोग जाके ऑफिशियली इसके आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हेक्साबेयर आप लोग अगर वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग के पास में कोई अनदर अपॉर्चुनिटीज़ है हेक्साबेयर के कंपेरिजन में कोई भी अदर है, तो आप गाइज उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हेक्साबेयर ने अभी तक कोई मिशन नहीं दी है, ना ही कोई ज्वाइनिंग के स्टेटस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत ही सारे कैंडिडेट हैं इवनली 2023 के जो वेट कर रहे थे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करिए हेक्साबेयर को ज्वाइन मत करिए, और भी कोई कंपनी की अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हेक्साबेयर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिले और भी हो सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जुलाई अगस्त वाला भी सीन है तो उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।